यूपी के बाराबंकी के गांवों में बन रहे इन स्टोल्स और अरबी रुमालों को आप भारतीय बाजारों में फूंकते रह जाएंगे। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये स्टोल्स भले ही गांव में बन रहे हों, लेकिन इनके खरीदार विदेशों में रहते हैं। बाराबंकी के गांवों में बन रहे उत्पाद का 90% विदेशों में निर्यात होता है, खासतौर पर अमेरिका, यूरोप, गल्फ देशों समेत करीब 122 देशों में इन स्टोल्स और अरबी रुमालों की जबरदस्त डिमांड है। मुख्यतः ये अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, गल्फ, इन चार जगहों पे विशेष रूप से बाराबंकी का माल जाता है। हैंडलूम का माल विशेष रूप से यहाँ पे काफी फेमस है और इसकी अपनी ख्याति है। कोई भी बायर जो है बाहर का है या कस्टमर है, बिना बाराबंकी के उत्पाद के अधूरा रहता है वो। बाराबंकी के दरहरा, जैतपुर, सादतगंज समेत एक दर्जन गांव में स्टोल्स और अरबी रुमाल बनाने का काम चल रहा है। जैतपुर में सबसे ज्यादा 3000 हैंडलूम और पावर लूम मिले हैं। यहाँ का फेक पश्मीना स्टोल बेहद मशहूर है। ये स्टोल मल्टीपर्पज यूज होता है, जैसे कि आप गले में फैशनेबल डाल सकते हैं, उसके बाद हाथ पोछने या टेबल पे भी यूज कर सकते हैं। मल्टीपर्पज होता है ये, इसकी यही खासियत है। बचपन से हम लोग यही काम करते हैं। बचपन से कितनी आमदनी हो जाती है आपकी? अरे जो 1500 की जो होते है इसी तरीके से होती है। इसका ये 2-3 साल हो गए। हो जाती है 1000 रुपए। विदेशों में धूम मचाने वाले स्टोल्स के इन कारीगरों के सामने समस्याओं का अंबार है। सबसे बड़ी समस्या 24 घंटे बिजली सप्लाई की। माननीय मुख्यमंत्री जी से कह करके जैतपुर में 24 घंटे बिजली के लिए कहा था और काम भी शुरू हो गया है, और जब बिजली होगी तो बुनकरों का फायदा होगा और काम भी ज्यादा करेंगे। बुनकरों के बने उत्पाद सात समंदर पार धूम मचा रहे हैं, लेकिन गांव के बुनकरों की हालत बेहद खराब है। मुनाफे का बड़ा हिस्सा निर्यातकों के खाते में जा रहा है, जबकि असल मेहनत करने वाले ये कारीगर गुजर बसर करने लायक पैसा भी नहीं कमा पा रहे। अनूप श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।